रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मैटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। मलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। अब मैटर तो हमने कई दफ़ा डिस्कस किया हुआ है, हम सब लोग वेल अवेयर हैं कि मैटर किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अलबत्ता देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक वेव्स होती हैं। ये जब सोर्स से एमिट होती हैं तो स्ट्रेट लाइन पर चलती हैं और उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन पर रहती हैं जब तक इन्हें इनकी रिफ्रैक्शन ना हो जाए या इनकी रिफ्रैक्शन ना हो जाए, यानी जब तक इनको डिस्टर्ब करके इनकी डायरेक्शन चेंज ना कर दी जाए उस वक्त तक ये स्ट्रेट लाइन पे चलती हैं। और इसमें डिस्टर्बेंस आती है जो इनके पाथ में पार्टिकल आते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इनकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, या ड्यू टू एनी रीज़न अगर इनकी डायरेक्शन चेंज ना की जाए तो ये स्ट्रेट लाइन पे रहती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और लाइट की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर सिंपल हार्मोनिक वेव्स। दीज वेव्स आर एमिटेड फ्रॉम सोर्स एंड ट्रेवल ऑन स्ट्रेट लाइन अनटिल दे आर रिफ्लेक्टेड आर रिफ्रैक्टेड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स से एमिट होने के बाद उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन पे रहती हैं जब तक इन्हें रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट ना कर दिया जाए। दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। अब आज हम जस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक वेव्स होती क्या हैं। इनकी नेक्स्ट भी हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक वेव्स एक्चुअली साइन वेव होती हैं और साइन वेव उन वेव्स को कहते हैं जो इस इक्वेशन को फॉलो करें। साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जो वेव इस इक्वेशन को फॉलो करे उसे साइन वेव कहा जाएगा। इसमें साई डिस्प्लेसमेंट है वेव का, ए उसका एम्पलीट्यूड है। ए एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उस सर्कल का रेडियस क्या है, और थीटा एंगल है। हेयर साई इज डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू ए के इक्वल है। हेयर थीटा इज एंगल और इस एंगल की वैल्यू 0 से 360 तक कुछ भी हो सकती है। अगर आप डिग्री में लें तो 0 से 360 डिग्री, और अगर आप रेडियन में एंगल को लें तो 0 से 2π रेडियन तक। तो सपोज अगर थीटा की वैल्यू 0 है देन साइन 0 0 होगा और साई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव है। इसमें एक्स एक्सिस पर हमने थीटा लिया हुआ है रेडियंस में और वाई एक्सिस पर साई लिया है। ये साई डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब एंगल 0 है तो साई की वैल्यू 0 है। इसके बाद जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साई की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है टिल 90। 0 पर साई 0 है और 90 पर साई की वैल्यू मैक्सिमम है जो कि ए के इक्वल है। और एंगल की टर्म में अगर 90 डिग्री हो तो रेडियन में उसको पाई बाई टू कहा जाएगा। तो 0 से 90 तक एंगल बढ़ाएं तो साई की वैल्यू इंक्रीज होगी, और 90 के बाद 180 तक एंगल इंक्रीज करने से साई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और जब एंगल 180 हो जाए, जिसको हम रेडियन में पाई कहेंगे, तो जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाए या 180 डिग्री हो जाए देन साई की वैल्यू अगेन 0 होगी। और इसके बाद अगर आप फर्दर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करें, यानी अगर आप 180 से भी ऊपर थीटा की वैल्यू ले जाएं, तो 180 से 270 तक साई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, यानी ये 0 से भी कम होगी। और यहाँ पे आके ये जो जगह है यहाँ पे थीटा की वैल्यू 360
सॉरी यहाँ पे थीटा की वैल्यू 270 डिग्री है और यहाँ साई की वैल्यू माइनस ए हो जाएगी। तो लेट मी राइट हेयर कि यहाँ पर थीटा 270, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 270 और साई की वैल्यू माइनस ए, और इसके बाद अगेन जब आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे 270 से 360 तक, तो साई की वैल्यू फिर इंक्रीज़ होती जाएगी और अगेन ज़ीरो हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 360 है तो साई की वैल्यू अगेन ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ दोबारा देखें, थीटा जब ज़ीरो है साइन ज़ीरो विल बी ज़ीरो एंड साई विल बी ज़ीरो, और जब थीटा की वैल्यू 90 है साइन 91 है तो साई की वैल्यू यहां पर ए के इक्वल हो गई। जब थीटा की वैल्यू 180 होगी साइन 180, जिसको साइन पाई भी कहा जाएगा, दैट विल बी जीरो एंड अगेन साई विल बी जीरो। और जब थीटा की वैल्यू आप 180 से बढ़ा के 270 पर ले जाएं तो साइन 270 माइनस 1, इट मीन साई की वैल्यू अब माइनस ए हो गई। और जब आप थीटा की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज़ करें 270 से बढ़ाते जाएं, जब थीटा की वैल्यू 360 होगी, 360 को आप रेडियन में 2 पाई कहेंगे, तो अगेन साइन 360 विल बी ज़ीरो एंड साई इज़ आल्सो ज़ीरो। ये ज़रा इसकी समरी देखें, थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो हो या 180 हो या 360 हो, इन तीनों केसेस में साइन ज़ीरो हो जाएगा, यानी साइन ज़ीरो भी ज़ीरो है, साइन 180 भी ज़ीरो है, साइन 360 भी ज़ीरो है। तो जब साइन थीटा ज़ीरो होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जब साइन थीटा ज़ीरो हो जाए तो फिर साई की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, इट मीन के वेव का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। अलबत्ता जब थीटा की वैल्यू 90 हो तो साइन 91 होगा, साई की वैल्यू ए के इक्वल हो जाएगी। और जब थीटा की वैल्यू 270 होगी, साइन 270 माइनस 1 है, देन साई की वैल्यू माइनस ए होगी। इसी बात को अब हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अगेन लुक एट दिस इक्वेशन, द मदर इक्वेशन, साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये देखिए एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये इस वक्त पोजीशन पी पर है, ये इसका ओरिजिन है। ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से इस पार्टिकल की पोजीशन का, ये डिस्टेंस ए है और ये ए इस सर्कल के रेडियस के इक्वल है। ये पार्टिकल अगर यहाँ पे थोड़ा सा आगे मूव कर जाए, ये यहाँ से मूव करके इसकी पोजीशन यहाँ आ जाए, अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस इसने कवर किया ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। वैसे भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट की फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन पढ़ें तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, एक्चुअली तो पार्टिकल यहां से, लेट मी है, पार्टिकल यहां पे था, यहां से वो सर्कुलर पाथ पे मूव करके यहां पहुंच गया। अब ये जो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया जिसको हमने ग्रीन से शो किया हुआ है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर जब थीटा की वैल्यू जीरो थी, एंगल भी जहर है इसका, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल ज़ीरो था, साई की वैल्यू ज़ीरो थी। जब ये पार्टिकल थोड़ा सा मूव किया, इसने 30 डिग्री के एंगल पर सर्कुलर पाथ कवर किया, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँचा, तो एंगल इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ 30 का एंगल बना लिया। अब साइन 30 इज इक्वल टू 0.5, इट मीन अब साई की वैल्यू 0.5 ए हो गई है, यानी ए बाई टू हो गई है। आप इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, एंगल और इंक्रीज होगा, ये पार्टिकल थोड़ा सा और आगे चला गया, अब एंगल 30 की बजाय 60 डिग्री का हो गया। अब साई की वैल्यू आपको यहाँ से नज़र आ रही है कि यहाँ साई की वैल्यू कम है, यहाँ ज़्यादा है। यहाँ साई की वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ इंक्रीज़ हो के 0.5 हो गई और यहाँ फर्दर इंक्रीज़ हुई। अब चूंकि एंगल थीटा है तो साइन थीटा 0.866 और अब साई की वैल्यू 0.866 ए हो गई। अब ए की जो भी वैल्यू हो उसके साथ 0.866 को मल्टीप्लाई करें, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। अब ये पार्टिकल थोड़ा सा अगर और आगे चला जाए, इस पोजीशन पर आ गया,
अब देखें, अब साई की वैल्यू वही है जो ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू फिक्स है क्योंकि इस सर्कुलर पाथ का रेडियस फिक्स है। साई की वैल्यू यहाँ कम थी, यहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ और ज़्यादा हो गई, और यहाँ साई की मैक्सिमम वैल्यू है। जब एंगल 90 होगा तो साई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा और ये मैक्सिमम वैल्यू ए के इक्वल होगी। यही हमने प्रीवियस भी पढ़ा है लेक्चर्स में। तो जब थीटा 90 है तो साइन 91 हो गया, साई की वैल्यू ए के इक्वल हो गई। अब अगर ये पार्टिकल यहाँ से और थोड़ा सा आगे चला जाए, लेट सपोज ये यहाँ से यहाँ आ गया, अब इसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गया। ज़ीरो पे ज़ीरो था, 30 पे इंक्रीज हुआ, 60 पे और इंक्रीज हुआ, 90 पे और इंक्रीज होके मैक्सिमम हो गया। अब 160 पे डिक्रीज होना, फिर डिक्रीज हुआ। थीटा जब 120 है, साइन 120 0.866 है और साई की वैल्यू अगेन 0.866 है। इट मीन थीटा की वैल्यू 60 हो या थीटा की वैल्यू 120 हो, दोनों सूरतों में साई की वैल्यू सेम है। अब अगर एंगल, अगर ये पार्टिकल थोड़ा और आगे आ जाए, इसका अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एंगल 150 हो गया। जब थीटा 150 हो तो साइन 150 0.5 और साई की वैल्यू 0.5 ए। तो थीटा की वैल्यू 30 और थीटा की वैल्यू 150 पर साई की वैल्यू सेम है। थीटा की वैल्यू 60 और 120 पर भी साई की वैल्यू सेम है। अगर पार्टिकल और आगे चला जाए, यहाँ से और आगे मूव करता हुआ यहाँ पहुँच जाए, अब एक ओरिजिनल पोजीशन से इसका एंगल 180 हो गया और साइन 180 ज़ीरो। अब देखें यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब पार्टिकल को थोड़ा सा आप और आगे ले जाएं, ये इस यहाँ से मूव करके अगर यहाँ पहुँच जाए, अब साई की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज हुई, यानी कि अब डिक्रीज हो गई। इसलिए यहाँ देखें, जब एंगल 180 से आगे जाता है तो फिर ये वेव ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। अब साई की वैल्यू ज़ीरो से कम हो गई, थीटा की वैल्यू ज़ीरो से जब 90 तक इंक्रीज होगी साई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ज़ीरो से 30 पे जाएगा, साई की वैल्यू 0.5 हो गई, फिर 0.866 हो गई, फिर 1 हो गई, यानी कि साई के इक्वल हो गई, सॉरी ए के इक्वल हो गई। इसके बाद 90 के बाद जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो 90 से 180 तक जब थीटा इंक्रीज करते हैं साई की वैल्यू डिक्रीज होती है, 180 पे आके ज़ीरो हो जाती है। और 180 के बाद जब आप थीटा की वैल्यू फर्दर इंक्रीज करते हैं तो साई की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाती है। अब साई की वैल्यू नेगेटिव में हो गई। अगर आप इसको पार्टिकल को, जब थीटा 210 है तो साइन 210 इज इक्वल टू -0.5 और साई की वैल्यू -0.5 ए। पार्टिकल थोड़ा सा और नीचे मूव कर गया तो साई की वैल्यू नेगेटिव में और बढ़ गई। अब जब थीटा 240 है तो साइन 240 -0.866 और साई की वैल्यू भी -0.866 ए। अगर इसी पार्टिकल को आप फर्दर 270 तक ले जाएं तो 270 पे पहुंच के साई की वैल्यू अगेन ए के इक्वल हो गई, लेकिन ये अब नेगेटिव वैल्यू है। वेन थीटा इज 270 डिग्री, साइन 270 -1, अब साई की वैल्यू -a हो गई। अब ये सिचुएशन हो गई ये वाली, जब थीटा 270 है तो अब साई की वैल्यू -a हो गई। अच्छा, यहाँ आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये थीटा की वैल्यू जो 180 है ये इस पॉइंट पर है। ये जो लिखा है थीटा इक्वल टू पाई आर 180, ये इस पॉइंट पे है जहाँ पर साई की वैल्यू ज़ीरो है, और ये पॉइंट यहाँ पे थीटा की वैल्यू 270 है और साई की वैल्यू माइनस ए है। अब यहाँ से जब आप फर्दर पार्टिकल को आगे मूव करेंगे, जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो अब साई की वैल्यू फिर नेगेटिव में डिक्रीज होना शुरू हो गई। जब थीटा 300 हो गया तो साइन 300 -0.866 और पार्टिकल को फर्दर आगे ले जाएं, साई की वैल्यू नेगेटिव में और डिक्रीज हो गई, -0.5 हो गई। और इससे जब आप आगे जाएंगे, जब पार्टिकल यहाँ जाएगा तो ये अपनी वो पहली पोजीशन पे चला जाएगा जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो थी।
अब देखें थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो तो भी साई ज़ीरो है, थीटा की वैल्यू 180 हो तो भी साई ज़ीरो है, और थीटा की वैल्यू 360 हो तो भी साई ज़ीरो है। अब ये इसको आपने, ये एक टेबल बना है, इसके अकॉर्डिंग आपने अब ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ बना के आपने, ये आपकी असाइनमेंट है। इस ग्राफ में आपने शो करना है कि साई की वैल्यू थीटा के साथ किस तरह चेंज होगी, और सपोज कर लेना है कि ए की वैल्यू वन है, यानी अब ए की वैल्यू अगर वन हो इस इक्वेशन में, अगर ए को वन पुट कर लें तो जो साइन थीटा की वैल्यू है वही साई की वैल्यू है। तो आपने थीटा की वैल्यू रखनी है 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 and 360। ये एंगल की वैल्यू, इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू, थीटा के नीचे आपने साइन थीटा की वैल्यूज लिखते जाना है। अब यहाँ से देखें 90 तक साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, 90 के बाद 180 तक फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी ये सिचुएशन आ गई, 90 तक वैल्यू साई की इंक्रीज हो गई और 90 के बाद डिक्रीज हुई और 180 तक डिक्रीज होती गई, 180 से 270 तक फिर ये डिक्रीज होकर नेगेटिव साइड पे चली गई, 270 से 360 तक फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, इनिशियली 0 से 90 तक इंक्रीज होगी, 90 से 180 तक डिक्रीज होकर ज़ीरो पे चली जाएगी, 180 के बाद अब ये नेगेटिव साइड पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, -0.5, -0.866, -0.1, -1, और 270 के बाद अब ये फिर इंक्रीज होगी, यानी कि नेगेटिव में डिक्रीज होगी और होते होते फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ आपके पास आएगा, ये ग्राफ आपने बना के अपनी असाइनमेंट में लगा लेना है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि साइन वेव कहते किसे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन साइन वेव्स होती हैं, यानी उनमें एंगल चेंज होने से इस तरह की मूवमेंट होती है, इस तरह की चेंज होती है। और एक चीज़ आपने और करनी है ताकि आपको पता चले कि साइन वेव और कॉस वेव में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट असाइनमेंट एक और आपने बनानी है जिसमें आपने यहाँ थीटा लेके नीचे कॉस थीटा ले लेना है, यानी ये थीटा की वैल्यू 0, 30, 60, 90 से 360 तक, और नीचे आपने साइन थीटा की बजाय कॉस थीटा लेना है और यहाँ कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करनी है। फिर आपने देखना है कि साई की वैल्यू में किस तरह चेंज होती है, और वो ग्राफ भी आपने देखना है। तो आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ थीटा साइन का साइन की बजाय थीटा का कॉस ले लिया जाए तो फिर वेव इस तरह नहीं रहती, फिर उस वेव को हम साइन वेव नहीं कहेंगे। तो देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन साइन वेव एंड कॉस वेव, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने पढ़नी है ये सारी साइन वेव्स हैं। तो इसी को हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।